का उपयोग महत्वपूर्ण होता है। लगभग सभी देवी देवताओं को शंख से जल चढ़ाया जाता है, किंतु शिवलिंग पर शंख से जल चढ़ाना वर्जित माना गया है। आखिर क्यों शिवजी को शंख से जल अर्पित नहीं करते? इस संबंध में शिव पुराण में एक कथा बताई गई है। आज हम शिव पुराण में बताई गई इसी कथा के विषय में चर्चा करेंगे। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। शिव पुराण के अनुसार शंखचूर नाम का महापराक्रमी दैत्य हुआ। शंखचूर दैत्यराज दंभ का पुत्र था। दैत्यराज दंभ को जब बहुत समय तक कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई, तब उन्होंने भगवान विष्णु के लिए कठिन तपस्या की। तब से प्रसन्न होकर विष्णु प्रकट हुए। विष्णु जी ने वर मांगने को कहा, तब दंभ ने तीनों लोगों के लिए अजय एक महापराक्रमी पुत्र का वरदान मांगा। श्रीहरि तथास्तु बोलकर अंतर्ध्यान हो गए। तब दंभ के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम शंखचूर पड़ा। शंखचूर ने पुष्कर में ब्रह्मा जी के निमित्त घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा ने वर मांगने के लिए कहा, तब शंखचूर ने वरदान मांगा कि वो देवताओं के लिए अजेय हो जाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोला और उसे श्री कृष्ण कवच दिया। साथ ही ब्रह्मा ने शंखचूर को धर्मध्वज की कन्या तुलसी से विवाह करने की आज्ञा दी। फिर वे अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा की आज्ञा से तुलसी और शंखचूर का विवाह हो गया। ब्रह्मा और विष्णु के वरदान के मद में चूर दैत्यराज शंखचूर ने तीनों लोगों पर स्वामित्व प्राप्त कर लिया। देवताओं ने त्रस्त होकर विष्णु से मदद मांगी, परंतु उन्होंने स्वयं दंभ को ऐसे पुत्र का वरदान दिया था, अतः उन्होंने शिव से प्रार्थना की। तब शिव ने देवताओं के दुख दूर करने का निश्चय किया और वे चल दिए। परंतु श्री कृष्ण कवच और तुलसी के पतिव्रत धर्म की वजह से शिवजी भी उसका वध करने में असफल हो गए। तब विष्णु ने ब्राह्मण रूप बनाकर दैत्यराज से उसका श्री कृष्ण कवच दान में ले लिया। इसके पश्चात शंखचूर का रूप धारण कर तुलसी के शील का हरण कर लिया। तब शिव ने शंखचूर को अपने त्रिशूल से भस्म कर दिया और उसकी हड्डियों से शंख का जन्म हुआ। चूंकि शंखचूर विष्णु भक्त था, अतः लक्ष्मी विष्णु को शंख का जल अति प्रिय है। सभी देवी देवताओं को शंख से जल चढ़ाने का विधान है, परंतु शिव ने चूंकि उसका वध किया था, अतः शंख का जल शिव को निषेध बताया गया है। इसी कारण से शिवजी को शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता है। तो अंत में मेरे साथ